जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मोर नाम कोमल साहू है और आप मन देखत हो हमारे यूट्यूब चैनल बीके सीनियर में। आप मन के दिल से स्वागत है। आज हमन जात हन गुढ़ियारी। आज आखिरी 5वां दिन है भागवत के। श्री प्रदीप मिश्रा जी के जो भागवत हुआ थे गुढ़ियारी में, दही हांडी मैदान में। मैं अभी ये भारत माता चौक में पहुँचने वाला है। उसके बाद पहाड़ी चौक से निकलते हुए सीधा दही हांडी मैदान निकलवो। आप मन वीडियो में बने रहो, आप मतलब पूरा वीडियो देखाबो, वहाँ के माहौल और पूरा नज़ारा। भीड़ भाड़ का जितना भी है संगवारी हो, हमारे वीडियो में आखिरी तक बने रहो। हमारे चैनल लाइक सपोर्ट सब्सक्राइब कर दो। पूरा सजे हुए संगवारी हो, बहुत मस्त आनंद आ गए भागवत सुनने में महाराज जी के। आप मतलब भी कभी मौका मिली तो जाहू संगवारी हो। हमन तो आ गए घूम के, और आपो मन भी जाहू नेक्स्ट बार। जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। ये पहाड़ी चौक आ गए हमन है। नेक्स्ट बार आही महाराज हा कोड़िया में संगवारी हो नंदिनी नगर के कोड़िया में आने वाला है। तो आप मन कोड़िया में जरूर पधारो। ए पहाड़ी चौकरा संगवारी हो, इधरी आना रे। जानो है हो इतने लेन मनी कर संगवारी हो। आज हमन भागवत सुने पर आए हैं गुढ़ियारी में। अभी पहाड़ी चौक में हवन फिलहाल सुबह 6 बजे है। और इतना इतना पब्लिक है संगवारी हो, पैर रखे की जगह नहीं है। बहुत सुबह से ही देखो सकता हो। जल्दी जाबो तो हमला थोड़ा बहुत जगह उगा मिल जाही, उम्मीद रखे हवन। नहीं तो फिर रास्ता वस्तम भटकबो को ढोड़वा डबरा ढोगा बैठ के देखबो जी। नहीं भटकन सवारी हो, हमन पहले पहुंच गए हैं। काबे की हमन घर से 4 बजे निकल गए रहे। 4 बजे नहा धोड़ रहे हैं हमन। हाँ ये तो मेरन भी मुले पहले नहा दे है भाई। उठरत कांपत आन संगवारी हो, अब भागवत महाराज जी के भागवत सुने पर चलो चल। सुखवारी बाजार होवत हुए दही हांडी मैदान जहाँ का। हाँ संगवारी हो, फुल भीड़ है आज। तीर्थों दर्शन नहीं कर बस लगाना नहीं चालू पूरा मामला। नहीं ठीक है, वो अपन हिसाब से लगाए है, सही लगाए, सही सब भीड़ है। दबा बल्लू भीड़ है। कैसे जी साहेब, कुछ गलत नहीं है? हाँ देख तुम देख। हाँ बस किधर कहीं लुहुना था। नहीं माहौल देखो संगवारी हो, सुबह के माहौल देखो। अब भीड़ पूरा पब्लिक है, पब्लिक है बाबा। आज के सुबह का माहौल फूल नजारा है संगवारी हो। आज आखिरी है और आज चालू होने वाला है। बहुत पब्लिक है, सुबह से ही आ गई सब। आजा जल्दी। बाइक वाइक सब इसमें रखवा के हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। खाए पिए कहीं धन नहीं, सब घर के बैठे हैं। झाड़ू वाड़ू खुल के रहते हैं। ये मन अपन लगेगा मस्त काम में, सेवा में। सेवा मस्त है बेचारियों में।
कैसे घूमना घूमना दिखाता है सदस्य मंत्री से बैठे कितना तकलीफ में भागवत सुने बनाए लेकिन बहुत लपन लपन माला संगवारी हो लपन लपन नहीं माता संगवारी हो जो नीच रखता है वही बता समय है अत्य जन बैठे तो पब्लिक नो है जन बैठे हैं हमारे सब लोग दिखा देगा मैं वीडियो वायरल कर दूंगा सभी भक्तों को हर हर महादेव का दर्द के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुदेव का आगमन हो चुका है गुरुदेव व्यासपीठ पर मन दर्शन हो चुके हैं आप सबकी तरफ से व्यासपीठ पर नमन करते हुए हम सबके प्रिय हम सबके लाडले ठाकुर कलयुग महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आचार्य विष्णु विख्यात गुरुदेव के भवन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी श्री भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर पंचम चतुर्थी कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे और साथ में स्वागत कार्यक्रम चल रहा है साथ में स्वामी जी मोहन उपाकर जी तीनू स्वामी योगेश जी टेंडे शंकर लाल जी जोशी रवि राव जी पार्षद प्रवीण जी राठी घनश्याम जी पारेख जी का 2 मिनट का उद्बोधन हम सभी सभन करेंगे सुंदर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण साहु जी बड़े ही अलग सम्मान से पधारे श्री शिवाय शिव कृपा उदारता दया की आवाज बढ़ाइए साई मां की आवाज बढ़ा सब की आवाज बढ़ा कर रात को 3 बजे के आए ठंडी हवा भी चली होगी आनंद के साथ आप सब श्रवण करो अपने जीवन के साथ अवस्था आपको यहाँ वहाँ भटक परंतु शिव कथा कह रही है सबको वसीयत लिखी जाएगी पर अपने लिए वसीयत नहीं लिखी जाएगी शिव पुराण कह रही है शंकर की कथा कह रही है इसलिए जो तुम कमा रहे हो कमाने की मना नहीं है खूब मेहनत करो दिल से करो जितने तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी है उससे ज्यादा करो मना नहीं है खूब कमा और जितना कमा सकते हो उतना कमा पर निवेदन है उस कमाई का थोड़ा सा अंश अपने ऊपर भी खर्च करते चलो जिससे तुम्हारा जीवन सार्थक होता भगवान राम जी के मन में जब भाव उत्पन्न हुआ तो उन्होंने शंकर भगवान की आराधना की
भगवान कृष्ण के मन में जब भाव उत्पन्न हुआ तब उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान गणेश जी के मन में भाव उत्पन्न हुआ तो उन्होंने शंकर जी की आराधना की। कार्तिकेय जी के मन में भाव उत्पन्न हुआ तो उन्होंने शंकर जी की आराधना की। पार्वती जी के मन हुआ तो उन्होंने शिव जी की आराधना की। मूर्ख बाबा के मन में जब परमात्मा के साक्षीकरण करने का भाव उत्पन्न हुआ तो उन्होंने भी शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण कर ली। और वो मूर्ख बाबा काशी के पास में सारनाथ मंदिर के पास जाकर गए। व्यवस्थाओं को बनाए